बट ये सुबह सुबह उठ के बकवास करती है। किसी के घर में ऐसे घुसते हुए शर्म नहीं आती, ऐसे ही घुस गई। पूछो क्या कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे थे? काटेंगे नहीं, मामा कह रहे चूना नहीं। Hi guys, welcome to my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, my name is Aradhya Singh. और मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा अगर आप वो बड़ा वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, और बताओ आप लोग कैसे हो? बढ़िया ही होंगे, और दिन एकदम बोरिंग बोरिंग जा रहा होगा सब पता है मुझे। मज़े तो कर नहीं रहे होंगे, घर पे बैठे होंगे एकदम बोरिंग बोरिंग और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। बट अभी बोरिंग नहीं होगा क्योंकि मेरा व्लॉग देख रहे हो ना। क्या बेकार बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ओके इग्नोर। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि आज मैं जा रही हूँ मौसी के घर, क्योंकि आपको पता है यहाँ नेटवर्क नहीं आता है तो YouTube वीडियो डल नहीं पाएगी, और आज संडे है इसलिए आज हम जा रहे हैं YouTube वीडियो डालने। वैसे संडे से कुछ रिलेटेड नहीं है बट फिर भी हम YouTube वीडियो डालने जा रहे हैं। और प्लीज़ मेरी आँखें ऐसी ऐसी हो रही है, आपको पता है क्यों हो रही है? क्योंकि धूप आ रही है तो ऐसी ऐसी होती है। हाँ, तो मेरे को वीडियो डालनी है आज YouTube वीडियो, इसलिए हम मौसी के घर जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाती हूँ हम क्या क्या करते हैं, और आप आगे देखो। ओके बाय। ये गाय की रोटी है, ये कुत्ते की रोटी है, और ये कौवे की छोटी वाली रोटी है, ठीक है? ओके, ये सारा देकर आइए। ओके ओके मॉम, बाय मॉम। हमारी गाय की हो गई, और डॉगी आज आया नहीं है तो डॉगी की हम संभाल के रख लेंगे, और चिड़िया की हालत। अभी डॉगी आया नहीं है तो डॉगी जब आएगा तब मैं खिला दूंगी। अभी मैं आगे की सीट पे जा रही बिकॉज मुझे आगे की सीट चाहिए, और आगे की सीट इज माइन, लेकिन आज कोई आगे बैठा नहीं है इसलिए मैं आगे बैठूंगी। चलो डैडी। हाय गाइस। हेलो गाइस। चाट भंडारा जो भी है इसको ये कहते हैं, यहाँ पे हम लोग का घमंजा आता है। मैंने बताया था आपको पहले वाले ब्लॉग में कि हम लोग को यहीं से घमंजा मिलता है, और यहाँ पे चौराहा है, यहीं वहीं पे मैगी ढूंढनी पड़ती है तो हमको मिल जाती है मैगी, इसलिए हम जब भी आते हैं तो मामा हमारे लिए यहीं से, या फिर यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे भी नहीं मिलती है, यहाँ पे थम्सअप वम्सअप बहुत मुश्किल से मिलती है, तो जब नहीं मिलती है तो मामा बहुत दूर दूर से मैगी वैगी लेके आते हैं हमारे लिए, क्योंकि ना उनको पता है ना उनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। लड़ाई कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। लड़ो मत गाइस। लड़ो मत, बात नहीं है गाइस, वो सड़क लेके बैठे हैं। मुंह तोड़ दो। मुंह तोड़ दो। ये रहा मम्मी का स्कूल, सैल्यूट कर लो दीदी, हम इसको हमेशा जब भी मिलते हैं हम सैल्यूट करते हैं। हेलो। यहाँ से मम्मी ने 12th की है, 12th पूरी खत्म की है ना? पूरी 5th तक दूसरे स्कूल में पढ़ी थी, वो मैंने आगे वाले व्लॉग में दिखाया था, यहाँ 6th से पढ़ना स्टार्ट किया मम्मी ने। ये रहा स्कूल का गेट। nice. यहीं पे DDLJ की शूट हुई। यहाँ पे नहीं हुई थी DDLJ की शूट। बोलने में क्या था? अच्छा, कुछ भी बोल दोगी, मतलब झूठ बता दोगी लोगों को कि यहाँ पे DDLJ की शूट हुई थी। नाइस। ट्रैक्टर है, खेतों में सरसों के खेतों में हुई थी। पर ऐसे ही सरसों के खेत में थी, लेकिन लोकेशन ये दी थी ना दीदी ने, बोला कि यहीं पे हुई थी, यहीं पे हुई थी तो ऐसा नहीं होती। सुबह सुबह उठ के देखो खेत में सारे लेडीज लोग काम करती, ये सुबह सुबह उठ के बकवास करती है। बकवास नहीं, ये चीज भी अच्छी है कि मैं आप लोग को चीजें दिखा रही हूँ, बता रही हूँ मैं आप लोग को, तो ये बकवास नहीं होती है, ठीक है? और आपने क्या बोला, फोन यूज करती है? मे बी ये सोचती कि मैं पढ़ाई की वजह से मेरे को चश्मा लग गया, मैं पढ़ाई बहुत ज्यादा करती हूँ ना। ये तो नाश्ता भी देखो दीदी, फिर से ये रोस्टिंग चैनल नहीं बनाना है मेरा। कितनी बार आपको समझाया है ऑफ कैमरा की रोस्टिंग चैनल नहीं बनाना है ये मेरा। लोकेशन लिखी थी, ये लोकेशन लिखी थी ना इसमें, नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सब लिखा था। मैं आपको टोल गेट दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ऐसे ऑप्शन नहीं देते क्या ये, ऐसे कि अपने आप बैक हो जाए, ऐसा नहीं ऑप्शन है, ऐसे क्यों? ये तो गलत बात है ना, अपने आप हो जाना चाहिए था ताकि मैं तुरंत कर लूँ, पर मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी फिर आपको टोल गेट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम लोग की गाड़ी जाने देंगे, क्योंकि वैसे अलग से गाड़ी लाने वाले को, गाड़ी मामा की है, और मामा की गाड़ी देखते ही
कोई पैसा नहीं लगता है। इलॉजिकल बातें करा लो, क्योंकि इलॉजिकल बातें बताओ क्योंकि आप डरते हैं। सब मामा से डरते हैं। नहीं, पापा ने हमको कहानी बताई थी कि यहाँ मामा काम करते थे, यहाँ पे मामा मुर्गा बनते थे, इसलिए अब बेचारे मैं कहानी बताना भूल गई थी कि इस टोल गेट से हमको क्यों जाने देते, क्योंकि बचपन में पापा ने हमको यही बताया था कि वहाँ पे एक पत्थर जैसा बना है, वहाँ पे मामा खड़े होते थे और मुर्गा बनते थे, इसलिए अब वो समझते हैं कि ये गाड़ी उस बेचारे बच्चे की है जो यहाँ पे मुर्गा बनता था, इसलिए अब हमको जाने देते हैं। मुझे तो पापा बताया कि उन मामा का बहुत भौकाल है, चेहरा देख के डर जाते हैं सब। वो मामा ने बताया, दीदी पापा ने हमको सच बताया था कि यहाँ पे मुर्गा बनते थे मामा। गाइस बस देख, नो गाइस, मैं गाइस बोल सकती हूँ, वो मेरा वर्ड था जिसका वो मेरे पे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। हाँ मेरे पे आ रही है ना, मैं आ गई हूँ। आई एम सैड, बट देखा जाए तो दिल्ली से बेटर जगह है, बहुत ज्यादा। मास्क नहीं लगाना पड़ता, मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है। और पता है क्या हुआ, हम लोग अभी गए थे, जो इससे पहले वाले ब्लॉग में आप देखोगे, हम लोग गए थे उधर, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले अंकल लोग दिखे और मैं सोची ओह शिट हमने मास्क नहीं लगाया, पीछे से मास्क लगा लेते हैं। और जब तक अंकल मोड़े देखा, उनको खुद नहीं मास्क लगा रखा था, तो क्या ही डरे कोई, कुछ नहीं चल रहा है इधर, नो मास्क। पर गलत बात है, मास्क पहनो। हम भी पहनने लगे, कभी ना कभी तो पहन ही लेंगे। बट अभी तुम गाड़ी में ना, बाय गाइस, आपके लिए बाय, मेरे लिए बाय नहीं, मैं पूरा आपको टूर करा रही हूँ, आप भी ऐसे घूम लेना। कभी आप आओगे इधर तो मेरे को लोकेशन खुद नहीं बताया तो मैं क्या ही बताऊंगी। पापा गाड़ी नहीं चला रहे, कह रहे व्लॉग और शूट करो, इतना ज्यादा व्लॉग शूट हो गया। अभी देखो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो पापा ने फिर से गाड़ी चलाई है, कह रहे व्लॉग नहीं शूट करोगे तो गाड़ी से उतर जाओ, जब तक व्लॉग शूट करोगे तब तक गाड़ी चलेगी वरना नहीं चलेगी। पागल वाले नहीं फैंस होते, मतलब कि फैंस वाले फैंस होते हैं, पर फॉलोअर्स होते हैं जो, ठीक है अलग हो गया, जो भी हो गया, नहीं फॉलोअर को फैन नहीं कहा जाता, क्योंकि फैंस पापा वो होते हैं जो, कैसे समझाऊं मैं आपको, कर रही हूँ समझा रही हूँ, प्यार करते हैं फॉलोअर, लाइक करते हैं, क्या डिफरेंस बताया। नहीं फॉलोअर और फैन डिफरेंस होता है, कुछ फॉलोअर्स, कुछ फॉलोअर्स बोलते हैं कि हम आपके फैन नहीं है, फैन होते हैं ना कि एक टाइप का जबरा फैन वाला फैन, नहीं फैन में भी अलग अलग डिफरेंस, आप लोग बता देना। हाँ ये भी डिफरेंस बता देना कि फैन और फॉलोअर में डिफरेंस, क्योंकि इन लोग को नहीं पता है, मेरे को पता है पर मैं समझा नहीं पा रही। आप क्या हो, फैन या फॉलोअर? हाँ आप अपना भी बता देना कि आप फैन हो या फॉलोअर हो, पर इनको डिफरेंस बता देना, मैं इनको कमेंट पढ़वाऊंगी कि डिफरेंस ही होता है, मुझे पता है ठीक है, पर वो समझाने में थोड़ा वो हो जा रहा है। जबरा फैन नहीं यार, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, पर आप लोग समझ भी नहीं पा रहे, ठीक है, ये लोग मेरी छोटी छोटी सी बातें मैं अगर आधी अधूरी भी छोड़ देती, ये लोग समझ जाते हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, पर आप लोग इनको कमेंट करके समझा देना कि फैन और फॉलोअर में डिफरेंस क्या होता है और आप क्या हो। ओके हाँ गुड, कुछ पता है नहीं इन लोगों को, दोनों को सेम बना दिया फैन और फॉलोअर, ये तो बिल्कुल नहीं होता, इतना तो मेरे को पक्का पता है कि फैन और फॉलोअर में बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला डिफरेंस होता है, पर इनको नहीं पता है क्या होता है। अब आप पे लाइटिंग अच्छी आ रही है, मुझे वहीं छोड़ना था, इनको नानी के घर पे ही रहना था, पर इनको मेरी वजह से आने पड़े क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे को इतना मोटा मोटा पहना दिया, गला खराब है, बुखार है, सुंदर लग रही हो, कोई काम नहीं करा रही, आपको बैठा रही हूँ, एक तो आपके सीरीज डाउनलोड कर दूंगी मैं, मुझे क्यों लाई पता नहीं। आ गए हम किसी के घर में, ऐसे घुसते हुए शर्म नहीं आती, ऐसे ही घुस गई बिना इनवाइट किए। नॉक 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 नॉक, हेलो, नॉक नॉक, मौसी छोटी साइज की है, अच्छा मेरे पैर से भी छोटे साइज की दी आपने, मेरे पैर से भी छोटे साइज की दी आपने, मैं तो और छोटी ही समझ गई थी, तुम बढ़ गई तो मेरी क्या बनती। अच्छा पहले हाय बोलो आप, हाय नहीं शक्ल दिखा के हाय बोलो, अरे पता है तुम दिखाओगी कि मैं किस रूप में हूँ, नहीं हाय तो बोलो, मौसी आप सुंदर लग रही है एकदम, हाय हेलो, थोड़ी जय माता दी बोलिए, ओके जय माता दी बोल दो, बोलते जो ना जय माता, अच्छा ये कौन सा तरीका, आपको इतनी ठंडी क्यों लग रही है, क्योंकि ये ठंडी जगह है, ये ठंडी जगह तो मेरे को तो नहीं लग रही है क्योंकि आप टॉवल पहन के आई हैं। पापा है ना, नहीं पापा उधर, मामा के पास,
ये हमारी सीरीज डाउनलोड हो रही है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा। और ये मुझसे मत पूछना कि ये ऐसा क्यों है, क्यों मुझे खुद नहीं पता, ये बहुत टाइम से ऐसा ही है। तो ऐसा है जैसा है, देखो जीरो भी हो गया यार, ये क्या चल रहा है, स्पीड इतनी स्लो क्यों आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक है, लास्ट टाइम ये बहुत अच्छी स्पीड पर डाउनलोड हुआ था, एकदम बढ़िया स्पीड पर। हाँ, ये हाय ब्रो, क्या कर रही हो? काम कर रहा हूँ। मेरा काम कर रही है, थंबनेल बना रही है, एंड दैट इज़ गुड्डू, इसका नाम मैंने अभी जस्टी रखा, वीडियो कटाएगी। हाँ, और ये भी मत बोलना कि आपने विंडो अपडेट क्यों नहीं कराई है, क्योंकि मेरा मन नहीं है अपडेट कराने का। ओके, मन नहीं है मेरा अपडेट कराने का, मुझे यही विंडो जो भी है वही पसंद है, ठीक है? तो मत पूछना कि मैंने अपडेट क्यों नहीं कराई है। हाँ बस, ये काम कर रही है, बेचारी को बुखार है फिर भी काम कर रही है, भालू लग रही है। इधर देखना, क्या कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे थे आप बताओ? नहीं नहीं, आप कर रहे थे, आप दोनों क्या कर रहे थे बाबा? तो हम लोगों ने तो कल तो बहुत बहुत कांड किए थे, दिन से लेके परसों शाम से ही बहुत कांड किए हैं। हाँ, तो रात को, रात को क्या कांड किए हैं ये बताइए आप। कांड वाला वीडियो बन रहा है। रात को कांड हमने किया है छत के ऊपर, चटाई बिछा के बिना चद्दर और बिना कंबल के सोए हैं रात में एक घंटा। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। और ठंडी लगी है बहुत तेज। एक पूरा खटिया लेके आप सोए, आधा बेड पापा लेके सोए, तीन लगा चार कंबल लेके सोए, आपके खराटे से सो नहीं पा रहे थे। वो साइड में बैठे। हाँ। इतने खराटे लिए है ना जो आपने, किधर आए तो इधर, आपको ठंड में कैसे सिकुड़ हुए? हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग यही किए होगे। क्या मुझे 8 बजे सीधे अपलोड करना है। अब 8 बजे ही अपलोड करेंगे, अभी कितने 6 बज रहे, नहीं 5 बज रहे अभी, तो 8 बजे अपलोड करेंगे 3 घंटे बाद। हाँ, और ये इतने देर से बिल्कुल नहीं हुई थी, मतलब इसमें लिखा था 44 डेज लेफ्ट, फाइनली अभी तो आवर्स लेफ्ट लिख रहा है, धीरे धीरे और हो जाएगा, बट तब से हो नहीं रहा था, मेरे को तो रोना आ गया था, कब तक होगा ये थंबनेल है, ये दीदी ने बनाया है, बहुत ज़्यादा भीख मांगने के बाद दीदी ने बना ही दिया है, तो यही है बस। कर क्या रही हो? क्या कर रही हो ये? और चुड़ैल लग रही हो, तो भी ज़्यादा बेटर थी। लाइटिंग अच्छी नहीं है फिर से क्या, तब से ही लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। बट ये फाइनली मूवी डाउनलोड होना शुरू हो गई, वरना मैं दूसरी साइड से डाउनलोड किया अब जाके, क्यों तब से हो ही नहीं रही थी, मतलब क्या दिक्कत थी इसको, तब से दिखा रहे थे कि 44 डेज लेफ्ट, हमको अभी जाना है थोड़ी देर में, व्हाट इज दिस 44 डेज। और हाँ, सारी वीडियो की सेटिंग वेटिंग कर ली हमने, हाँ कर ही ली, अभी बस अपलोड करना है 8 बजे, तो अभी बज रहे हैं 5, 3 घंटे बाद अपलोड करना है, बाकी सब कुछ कर लिया मैंने, तो वीडियो अपलोड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए वहाँ से आओ, व्लॉग करो पूरा, इसके बाद अगर आपने लाइक नहीं करा तो नहीं करो, तो नहीं करा, हम घर में घुस के तो कुछ कर नहीं सकते हैं आपके, कर देना, कर देना, दुख होता है इंसान को। 15-20 लोग से 15-20 सभी लोग परेशान हो क्योंकि अपलोड के चक्कर। हाँ यार, वहाँ से हम इतना दूर से आए, टाइम लगता है लाइक करने में, क्या जाता है। चलो ठीक है, अब आपकी मर्जी, अब हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं आपके घर में घुस के हाथ से लाइक बटन, एड्रेस दे देना, लाइक बटन तो दबवा नहीं सकते। हाँ, एड्रेस दे सकते हो पर आने में टाइम लगेगा, पर ठीक है कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर ही दोगे। कर, मार दूंगी। टोपी देना मेरी, ये देखना ये क्या छुपी हुई, आप ही के पास है, कहाँ का, आपकी उंगली का इशारा घर के बाहर भेज रहा है, कौन से टेबल पे? दीदी आपका उंगली का इशारा बहुत अलग था, आपको पता है, तो मुझे दिख रहा था। आप दूसरे कमरे में उंगली का इशारा कर रही थी, तो मुझे दिख रहा था। तो 59 हुआ तो अब पब्लिश होने में भी टाइम लगता ही है, हो जा, डन 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 डन, हो गया हो गया, अरे हो गया, मेरे में 8 हो गए थे, लैपटॉप में भी 8 हो गए थे, हर जगह जो भी हो गए, पर अपलोड हो गया, अपलोड हो गया करवाने के बाद।
हाँ मेहनत के बाद फाइनली अपलोड हो गया। बोलिए मेरे को मैसेज भी आ गया, क्या रात तक हो गया। हाँ तो पापा आपने नोटिफिकेशन ऑन की। काटेंगे नहीं, चलो आ जाओ। मामा कह रहे चुना नहीं, मैं जूते भी सही से नहीं पहने। और अभी हम वापस जा रहे हैं घर की। वीडियो अपलोड हो गई। लो थैंक्स मामा। चलो साथ ही में चलो। मेरे को जूता भी सही से पहनने नहीं दिया। मेरे को लगा कि गाड़ी बाहर खड़ी है, बट इसलिए मैंने जूता ऐसे ही पहन लिया। मैं सोची गाड़ी बाहर ही तो खड़ी होगी, बट गाड़ी बाहर नहीं थी। मैं चश्मा पहन रखा, इसमें ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, इसलिए मैं चश्मा डाल दूँ। बहुत दूर खड़ी है इसलिए मेरा उल्लू बन गया, मेरा पैर दुख रहा है। फिर मैंने जूता ऐसे ही पहन लिया। तो हम चलते हैं गाड़ी में, फिर मैं आगे शूट करती हूँ। हाँ ये बच्चों वाली हरकतें करके चलते हैं रस्ते पे। ये रही हमारी गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी देख लो। वो फाइनली। ये क्या है, हटाओ इसको। ये है कुछ तो है, दे दूं। दाल चावल रोटी सब्जी। वाह वाह, सही बात है। हम लोग घर आ गए और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं गाड़ी में भी सो गई थी, मेरी आंखें भी नींद वाली लग रही है ना। तो अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद मैं सोचूंगी, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। ओके नाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।